दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ। तो चलिए आज शुरू कर देते हैं आज का ब्लॉग। यही से आप लोग साथ में रहिए। आज है मंडे। तो चलिए, आज कुछ ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि फिर से वही पुराना वाला रूटीन में आ गई हूँ। संडे खाना पकाया और मंडे खाना है, क्योंकि संडे का खाना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो चलिए, जो भी हो, हम लड़की है, हम औरत है, हमें मान लेना चाहिए। लेकिन यही बात हम आदमियों को बोलते हैं, अपना दिमाग सिर्फ अपने काम पे लगाइए। हमारे जो घर का काम है उसमें लगाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, आपका समझ में ही नहीं आएगा एक है कि उसलिए वो किस लिए। तो चलिए, इसी बात से आज का दिन शुरू करते हैं कि जो भी हो अच्छे के लिए हो। जो भी होता है भगवान अच्छा चाहता है, अच्छा होता है, बुरा चाहता है बुरा होता है। तो चलिए, आज मेरा सामने वाला घर में हो रही है कीर्तन, तो आज सुबह से भगवान का कीर्तन सुनाई देगा और आप लोग साथ में रहिए और थोड़ा भगवान का नाम सुनते आपका साथ मेरा आज का ब्लॉग लेके आ गई हूँ मैं। तो चलिए, आज क्या करूँ ऐसा कि आप लोगों को दिखा सकूँ। आज तो खाना पकाना बंद है और घर का काम भी थोड़ा सा ही है। तो चलिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ या क्या नहीं। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा तो समझ में आ जाएगा, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए, अभी रखते हैं, फिर बाद में आते हैं। तो आज सुबह सुबह देखो, मैंने लेके आ गई हूँ सूखा चिकन और राइस। आज हमें सुबह यही खाना है, तो चलिए खा के आते हैं। तो देखो, आज के तो बोलछी बेशी किछु बनानो नहीं, तो जानी ना आमी तोमादेर साथे कि शेयर करते पारबो। तो आज के सकाल सकाल ए जे शुकनो चिकेन और भात गरम करे निये चले एसेछि। तो ए बाबा, माछखानेर दरजाटा दिये आय। तो चलो ताले खेये नि और तोमादेर साथे खावाटा शेयर करी। और तोमरा जानो तो हेवी टेस्टी लागे। আমাদের ছাড়া তোমাদের কোনো দরকার থাকতে পারে না কি? আজকে 15 বছর কোনো দরকারই ছিল না, তাই না মা?
ঠিক করতে হবে না, এটা দেখলি বিরিয়ানি আসলে তোরা কিচ্ছু বলিস না। तो दोस्तों देखिए अभी बज रहे हैं घड़ी में बज रहे हैं 1, तो मैं चली आई किचन में 12 बजे बहुत ही पहले। तो आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं फोन को थोड़ा एडिटिंग में बसाया था। तो चलिए आज थोड़ा सा बर्तन है और उसको धो लेते हैं और गैस भी सफाई कर लिया और किचन का जो काम है थोड़ा बहुत सारा कर लिया। तो चलिए नहा धो के फिर आते हैं फ्रेश होके। और आज दोपहर में तो आप जानते ही है वो जो चिकन कल का रह गए और फिश करी, तो उससे ही हम लोग खाएंगे खाना। तो और दोपहर में आ सकते हैं या तो शाम को आके थोड़ा बहुत गपशप करेंगे। तो चलिए अभी के लिए यहाँ रखते हैं। तो देखिए एक छोटा सा खुराफाती आइडिया आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये जो है ना ये लकड़ी के उनान पे मैं ये बैंगन दे दिया और बैंगन भुनने भी लगे हैं। तो कितना मज़ा के इसमें खाना पकाओ फिर इसमें बैंगन सूखी फ्राई कर लो तो बहुत ही अच्छा होता है। और जो गैस का अभी हालात है देखिए कितना सारा आग है इसके अंदर और ऊपर में मैं कल का जो मछली है वो गरम बिठा दिया तो ये भी बहुत ही गर्म हो गया। तो चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दिया। और इधर जो है इधर का हालात थोड़ा ख़राब है तो मुझे अब थोड़ा इसको सफाई करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पत्ते हैं इस पत्ते से भी मैं खाना पका सकूँगी इसलिए इस पत्ते को मैं थोड़ा झाड़ू से एक जगह कर लूँगी फिर इसको थोड़ा बस्ते में रख दूँगी। और देखिए ये जो है इनको मैं बस्ते के ऊपर सुला दिया क्योंकि ये बहुत ही नीचे हो गई। और ये भी एक हुआ है और ये भी एक हुआ है और भी बहुत सारा हुआ है उपाय। तो चलिए फिर एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी इसमें खाने का जो पानी है वो देना है तो चलिए थोड़ा बहुत दे देते हैं इसको खाने का पानी। और ये देखिए यहाँ पर रखा है तो इसको थोड़ा दे दिया मैंने और इसे भी थोड़ा देना है। तो मैं चाहती हूँ इसको बहुत सारा खाना मिले और ये बहुत सारा फल दे। तो चलिए इसको थोड़ा और पानी दे देते हैं। ऊपर भी हुआ है
तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पहले भी बोली हूँ, आज भी बोल रही हूँ कि जब ये फल देता है पेड़ तो बहुत ही अच्छा। तो आज तो मेरा खाना पकाना हो गया, तो चलिए और क्या, थोड़ा पानी दे देते हैं पेड़ पे, तो फिर आते हैं। तो देखिए काम, मैं सोचता रहा काम नहीं है काम नहीं है, तो काम निकल आया है थोड़ा बहुत। आज मैं भगवान के लिए कब से सोच रही हूँ कि जो नारियल का छोकला है इसको बना लेते हैं थोड़ा छोटा छोटा करके, तो इवनिंग में देने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो कब से सोचता ही रहेगा और बनाया नहीं, तो आज आप लोगों को साथ लेके तो चलिए बना लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए इधर तो साफ सफाई कर दी मैंने, और यहाँ पर जब बैठती हूँ और पंछी का आवाज़ आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगता है कोई गांव में हूँ मैं, और मुझे सुकून वाला ज़िंदगी यहाँ मिल रही है। मैं सोच रही हूँ जब मैं बुढ़ी हो जाऊँगी यहाँ पर एक घर बना के रह जाऊँगी, इधर मुझे बहुत ही सुकून मिलेगा। तो चलिए मेरा ये जो अरमान है, देखते हैं कितना देर तक पूरी होती है। तो देखिए मेरा जो नारियल का खोसा छोकले उसको मैं बना ली, तो चलिए संदा देने में बहुत ही सुविधा हो जाएगा। और आज ये करने पे बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो चलिए अब फ्रेश होके आते हैं। तो देखिए आज दोपहर को मैं कुछ दिन पहले ये लगा लिया था, फिर आज दोपहर को इसको ये थोड़ा खुल गए थे सिलाई, इसको सिलाई करके ऐसे लगा लिया। ये जो मच्छरदानी है उसका कपड़ा है, तो मैं जलने में ऐसे करके लगा के रखती हूँ क्योंकि मच्छर घुस ना पाए। गर्मी के टाइम में ये खिड़की बंद करने से बहुत ही गर्मी लगती है और दम घुटता है, तो इसके कारण मैं ऐसे करके रखती हूँ जिसके कारण मच्छर तो नहीं आ सकते लेकिन हवा या रोशनी बहुत ही सुंदर आता है। तो आप लोगों को इस तरह से बना के लगाना है तो आप बना सकते हैं। आप लोग ऐसे लकड़ी के ऊपर नहीं तो ये जो वॉल के ऊपर भी आठे से इसको लगा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत आप लोगों को एक मच्छर से बचने का टिप्स दे दिया मैंने। तो चलिए थोड़ा बहुत ऊपर के घर जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा झाड़ू लगा देते हैं। दिन भर तो नीचे करते करते टाइम चला जाता है, और देखिए कितना कितना मीठा रोशनी है, और ये रोशनी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे अगले वाले घर पे थोड़ा खाना पीना हो रहा है, वो लोग अनुष्ठान कर रहे थे तो उसका बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा था। तो देखिए अब धूप के टाइम है, गर्मी के मौसम मैंने आ ही गए हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो नीलकंठ पेड़ है इसमें फूल आए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है हमें। तो चलिए घर के अंदर जाते और थोड़ा बहुत झाड़ू मार देते हैं। यहाँ पर बेटी पढ़ रही थी, अभी थोड़ा सोए गए होंगे। तो आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा लग आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर बैठने के बैठने पर, क्योंकि रोशनी आता है और मन को बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा बैठ के
थोड़ा एडिटिंग का काम कर लेते फिर आते। और आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं लाइव आऊंगी तो आप लोग जरूर मेरा लाइव ज्वाइन करना। आप लोगों के साथ लाइव बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग जरूर मेरा लाइव, जब मैं बोलूंगी कि आज मेरा लाइव है तो आप लोग जरूर आना। शाम को बेटा बेटी को साथ लेके हम थोड़ा पानी पूरी खाए, बहुत दिनों के बाद खाए इसलिए बहुत ही अच्छा लगा। और जो पानी पूरी वाला था उसका पानी पूरी बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था। तो आज शाम को हम लोग झाल पुस्ता खाए, बहुत झाल लग गए इसलिए टीका 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 लग गया और बहुत ही अच्छा है पुस्ता। हाँ, है ना, बहुत अच्छा है। मामू का काले पुस्के से बेहतर है पुस्का। सो बाय बाय, फिर बाद में मिलेंगे। तो आज का ब्लॉग पानी पूरी के साथ ही खत्म करते हैं। तो आप लोग सब अच्छे से रहिए, खैरियत से रहिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और सबको खैरियत दीजिए और सबको साथ खड़े रहिए। और चलिए आज के ब्लॉग यही तक, कल फिर से नई ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने आ जाएंगे। मैं शर्मिला, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। Dreaming, I can fly to an end.
आ